लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। आग लग रही है कोई सेंटर ना चलो तुम अपने पसेड़ा में है और यहाँ पे कपासी भी एक मकान में सिलेंडर पटा, तो हम जिनके मकान में सिलेंडर पटा हुआ है उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे जैसे उन्होंने 100 नंबर पे कॉल, यहाँ पे आई हुई है, जो भी हेल्प होगी वो करेगी। और किस कंपनी का सिलेंडर था उस तो आप एक बार उनसे बात कराएंगे, जो मैडम यहाँ पे खाना बना रही थी उस टाइम। हाँ, वो मेरी भाभी थी। मैडम क्या नाम है आपका? ममता। ममता जी, जैसे आप यहाँ पे अभी पता चला कि आपके घर में सिलेंडर फटा, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे गैस से? जी मैं खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी। हाँ, तो क्या हुआ, कैसे आग लगी इसमें? मैंने पहले दूध टेका, दूध गर्म किया मैंने, और उसके बाद प्याज वाज सब फ्राई करके, और जैसे सब्जी डालने के लिए पानी निकाला तो तुरंत से सिलेंडर को पकड़ लिया आग ने, और अच्छा, मैं तुरंत छोड़ के भाग गई बाहर। अच्छा, बाहर आप मकान से आगे, तो जैसे घर में बच्चे भी होते हैं और भी होते हैं सर, तो मैं कोई घर में आप अकेले थे या और भी था? नहीं, मेरे घर में बाकी और भी लोग थे। तो जैसे आग लगी तो वे लोग कैसे निकले, या आपने पहले ही उनको सचेत कर दिया कि नहीं, आग लगी? जैसे सिलेंडर को पकड़ा मैंने तुरंत से बोला कि सिलेंडर में आग लगी, सिलेंडर में आग लग गई। तो मतलब जो घर में थे वो भी बाहर निकल गए, और जो पड़ोस में थे वो उन्होंने बहुत कोशिश की बुझाने की, लेकिन बुझ नहीं पाई। ओके, तो फिर तो लास्ट में बुझी है। लास्ट में बुझी है। तो जैसे बच्चे भी हैं आपके, तो कोई हादसा ऐसा हुआ किसी के साथ या सब एकदम ठीक है? नहीं, उसमें बच्चे तो कोई थाने पास, मैं ही थी। ओके, तो किस कंपनी का आपका ये सिलेंडर था और कितने दिन पहले आपने ये लिया था? जी ये इंडियन का सिलेंडर है, इंडियन, और अभी कोई 3-4 साल हुए होंगे मैंने लिया कनेक्शन। नहीं, नहीं, नहीं। तो अभी जो आपने भरवाया वो कितने दिन पहले आपने? कल ही भरवाया मैंने। अच्छा, कल ही भरवाया और आज ये फटी है। हाँ। मैडम जैसे ये हाँ मकान देख रहे हैं हम, यहाँ पे आपके पड़ोस में सिलेंडर फटा, और जैसे पता चला कि आप लोगों ने हेल्प करी, तो क्या हेल्प करी उन लोगों की और वे लोग सही सलामत बच गए? जी हम तो, मैं तो ऐसे बैठी हुई थी, आज के आगे सीख रही थी, और मेरी बहन खाना बना रही थी जी। और जैसे खाना बना लगी तो एकदम आग लग गई जी। और हम सारे बाहर निकल आए, जैसे हमने मना, और एक पड़ोस की लेडीज ने जोर जोर से आवाज मारी तो सब पड़ोसी निकल आए थे। यानी जो आप आसपास इस मकान के सब पड़ोसियों ने यहाँ पे हेल्प? हाँ, सब ने हेल्प की, जैसे ही आवाज मारी तो सब आ गए थे, मट्टी लेके, बिस्तरा, सोड़ उड़ सब कुछ बे बे कर डाल दिया हमने। तो करीब 5-7 मिनट पहले हमें ये कॉल मिली है कंट्रोल रूम में कि भाई ऐसे ऐसे कापा सेना माता वाली गली में इंसिडेंट हुआ है, आप जल्दी से मूव करें। तो कंट्रोल से मैसेज मिलने के बाद तुरंत हम बिना समय गए मौके पे निकल चुके थे, और जल्दी हम यहाँ पहुँच गए थे। तो देखा हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया गया था, जो कि सिलेंडर में आग लगी हुई थी। ये काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था इसमें, पर सूझबूझ से, यहाँ के स्थानीय लोगों की सूझबूझ से और दिल्ली पुलिस की सूझबूझ से ये हादसा टल गया है। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अवेयर हों लोग इसके प्रति, कि इस तरह के हादसे
ना हो, किस तरह से ये हादसा हुआ उनको पता होगा, उसके लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें ताकि इस हादसे को कम से कम किया जा सके आगे भविष्य में। हो गया ठीक। जैसे कि अभी हम यहाँ पे मुहाने पे हैं और यहाँ पे हमने लोगों से भी बात की और यहाँ पे दिल्ली पुलिस और डिफेंस सिविल वाली भी यहाँ पे टीम आई हुई है, मगर हादसे से पहले यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी है उस मकान के, उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया बड़ी अच्छी तरह और कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। मगर जिस कंपनी का ये यहाँ पे सिलेंडर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो देखते हैं कब तक उस पर कार्रवाई होगी और क्या होगा, दिल्ली पुलिस या और कोई उस पर कार्रवाई करता है कि नहीं करता। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन।